नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, 64th BPSC का रिजल्ट आ चुका है और जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं तो उनको ढेर सारी बधाई, और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो बस उनके लिए एक ही रास्ता है कि वो और अधिक मेहनत करें। लेकिन यहाँ पर समझना है कि जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं कहीं पर भी उनसे कम थे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सिलेक्शन केवल एक बातों पर निर्भर नहीं करता, कई फैक्टर्स होते हैं जिनका संयुक्त परिणाम होता है आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो कहीं पर भी यहाँ पर निराश नहीं होने, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है और आगे मेहनत करते जाना है। एक चीज़ देखना है हमको यहाँ पर, 63rd जो 63rd BPSC है और यहाँ पर जो 64th BPSC है उसका कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ देखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपकी आगे की एग्ज़ाम्स हैं, जैसे अभी 66th BPSC का मेंस होना है, तो उसमें आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कट ऑफ कितनी जा रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए इस डिफरेंस को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर जो 63rd BPSC, ये 63rd का है और ये 64th का है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो जनरल के कट ऑफ है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक फाइनल का कट ऑफ है और एक मेंस का है, और यहाँ पर भी एक रिटन का है और एक फाइनल का है, ठीक है। तो देखिए जो जनरल की कट ऑफ है वो 504 गई थी मेंस की, लेकिन जो 64th BPSC में जनरल की कट ऑफ है वो 446 है। देख रहे हैं, लगभग 50 अंक का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है ये 588 है और यहाँ पर 535 है, यहाँ पर भी लगभग 50 अंक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है जनरल के कट ऑफ में। मतलब 63rd BPSC में चूंकि सीटें कम थी, ठीक है, तो यहाँ पर एक फैक्टर जो मायने रख रहा है वो है कि 64th BPSC में सीटें काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम गई है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें फीमेल की, तो 494 कट ऑफ गई है यहाँ पर मेंस की और फाइनल है 575, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें जो 64th BPSC का फाइनल रिजल्ट है, उसमें यहाँ पर मेंस 430 गया था और यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी की 494 है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा लगभग 60 अंकों का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पर 513 गई है फाइनल कट ऑफ 64th BPSC में, और 63rd BPSC में कितना था, 575 कट ऑफ गई थी, तो यहाँ पर भी लगभग 60 अंकों का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब सीधा है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो कम गई है, ठीक है। और यहाँ पर हर यहाँ पर जो SC ST फीमेल वगैरह, EBC BC, हर चीज़ में देखेंगे, यहाँ पर हर कैटेगरी में देखेंगे, तब भी यहाँ पर कट ऑफ आपको कम मिलेगी। यहाँ पर एक फैक्टर जो मायने रख रहा है वो है सीटों की संख्या, ठीक है। तो इस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए अब आगे बात आती है कि अगर 63rd BPSC में ये कट ऑफ है और यहाँ पर 64th BPSC में ये कट ऑफ है, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में क्या कट ऑफ हो सकती है। आप इतना तो समझ गए हैं कि एक चीज़ जो मायने रख रही है ज़्यादा, वो है सीट, ठीक है। इसके अलावा कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, और हर बार तो कंपटीशन बढ़ता ही जाता है, ये तो क्लियर है आपको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बच्चे कम मेहनत करते हैं, या इस बार जो बच्चे रह गए हैं, मान लीजिए जो 64वीं में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, आखिर वो फाइनल में भले ही उनका नंबर नहीं आया, लेकिन क्या अगर मान लीजिए कि 535 कट ऑफ गई है फाइनल, क्या जिन बच्चों का 530 है, ठीक है, वो 5 नंबर से पीछे हैं, क्या वो इस योग्य नहीं थे? जी नहीं, बिल्कुल उनकी योग्यता पर शक नहीं किया जा सकता, वो पूरी तरीके से योग्य थे इस पद के लिए, लेकिन बस ये कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, तो इसमें एक एक नंबर भी मायने रखता है। तो अब आखिर कौन से बच्चे होंगे जो कट ऑफ बढ़ाने का काम करेंगे, जो ये बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम से अभी इसमें 64th BPSC में फाइनल जिनका नहीं हो पाया है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख करके तैयारी करनी होगी। अब आप दोनों पेपर को, GS के दो पेपर प्लस ऑप्शनल, आप दोनों GS के पेपर और ऑप्शनल में इस तरीके से मेहनत करें, कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए कि आपके जो कट ऑफ की होना चाहिए जो 66th BPSC है उसके लिए, अब यहाँ पर देखें 446 गया है, तो आपको 500 तक मान करके चलना चाहिए कि इस बार की जो कट ऑफ होगी, 66th BPSC की हम बात कर रहे हैं, तो उसके जो कट ऑफ होने वाली हो लगभग अराउंड 500 के करीब में होगी, जनरल की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखें अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर जाएं ओबीसी, ठीक है, तो ओबीसी में 491 कट ऑफ है, और यहाँ पर बात करें ओबीसी की तो यहाँ पर है 430 कट ऑफ है। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 60 अंकों का गैप है यहाँ पर, और यहाँ पर 595 कट ऑफ है, और यहाँ पर ओबीसी की हम बात कर रहे हैं तो 535 है, ठीक है, लगभग यहाँ पर भी 60 अंकों का गैप है। तो मतलब जो 63rd BPSC है वो हर कैटेगरी में नंबर कम है, कट ऑफ कम है, तो वो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि इस बार जितनी कट ऑफ है उससे आपको कम से कम 50 नंबर तो ज़्यादा लाने ही होंगे, ठीक है। और
ये एक अनुमान है और ये हो भी सकता है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि कट ऑफ इसी के आसपास में रहेगी, तो इतना ध्यान रखना है। और जो लोग टॉपर हैं आप देख ही सकते हैं, आप उनकी इंटरव्यू सुनिए, देखिए उन्होंने कैसे तैयारी किया, बाकी सारी चीज़ें तो आप देखिए, सबका इंटरव्यू देखिए, लेकिन भरोसा आप खुद पे करिए, अपनी मेहनत पे करिए बस, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको सफलता दिला सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।